सबने अपनी अपनी तारीफें सुनी, सबने सर की ही तारीफ करी, लेकिन अभी तक किसी ने सर के लिए कुछ नहीं किया। एक बार जोरदार तरह सर के लिए भी हो जाए, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट जब मैंने 20-25 बच्चों को पढ़ाना चालू करा था तो वहाँ पर एक लड़की अर्चना करके मेरे इंस्टीट्यूट में, हालांकि उस टाइम तो अर्चना करके आई, अर्चना के बारे में बताता हूँ, शी इज फैमिली फ्रेंड आल्सो, ओके, मेरा दोस्त और मैं जिसके सिस्टर है आनंद, वो और मैं एक साथ 6 साल जगह जॉब करते थे फैकल्टी का, और वो उसका घर भी मेरी कॉलोनी के सामने ही है, तो वी आर बहुत बेस्ट फ्रेंड, अच्छे दोस्त हैं। तो अर्चना का इंट्रोडक्शन उसके थ्रू मिला। एक दिन ये पेपर देने जा रही थी कहीं एमबीएस का, तो मैंने कहा तू यहाँ की खड़े से बात करके, मेरी सिस्टर खड़ी पेपर देने के लिए, मैंने वो क्या करती है, कह रहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। तो फिर ये मुझे मिली, तो उस टाइम पर ये कृषि भवन में जॉब कर रही थी, इसको पार्टेंट सिखाया मैंने, पार्टेंट के बाद धीरे धीरे इसने, मैंने इसको ये हमेशा कुछ भी कोई काम करते उसे गाइडेंस दे दी, तो आज ये टाटा स्टील के अंदर है, टाटा स्टील से ना, तो सब कुछ टैक्स वैक्स कटने के बाद 47,000 के करीब इसकी सैलरी है इस टाइम, जो गवर्नमेंट में एक डी ग्रेड स्टेनोग्राफर को मिलती है। मैंने यही बोला प्राइवेट में आप स्कोप नहीं करते हो, पर आप सुनो अपने मन की और एक रास्ता चुन लो। अभी इसका एमबीए का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है क्रॉसपॉन्डेंस से, अभी ये ऑफिसर रैंक पर चली जाएगी, ऑलरेडी ऑफिसर रैंक में है अभी ये, तो और ऊपर चली जाएगी एमबीए करने के बाद, इसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे। मैं इसको ये बोलना चाहता हूँ कि इसने हमेशा मुझे सुना है सिर्फ, और बाकी अपने बारे में ये कुछ बताएगी। इसने रेलवे का एग्जाम क्लियर करा, देखो लड़की होने का क्या डिसएडवांटेज हो जाता है, एक बार इसने रेलवे का एग्जाम क्लियर करा, वहाँ से रेलवे के एग्जाम का क्लियर भी हो गया, और वहाँ जाने के लिए जब बात करी घर से कि मेरा रेलवे का एग्जाम क्लियर हो गया, मुझे जाना है वहाँ पर टेस्ट, मेरा इंटरव्यू है, तो घर वालों ने मना कर दिया कि लखनऊ जाके जॉब क्या करेंगे, तो इस वजह से यही रहने लगे। तो इसने गवर्नमेंट जॉब ले ली थी, पर सिर्फ ड्यू टू फादर और मदर, क्योंकि एज ए गर्ल छोड़नी पड़ती, कोई साथ में नहीं जाएगा तो कैसे कर लेगा, उस टाइम की जिस टाइम की बात बता रहा हूँ, यदि बोल रहा बर्थ है इसका, तो सी इज़ वेरी डेडिकेटेड, और जितना बच्चे इसको जानते हैं, मैं क्या बोलूँ, मैंने इतनी सिंसियर लड़की नहीं देखी, बहुत सिंसियर है, तो इसको भी सुनो क्योंकि बहुत देर से तुम्हारे साथ मेहनत कर रही है, और ये मेरी पहली स्टूडेंट, वैसे मेरे वो सारे फोटो में देखा भी होगा तुमने, तो जरा से सुनो कुछ नई बातें बताई थी। नहीं, नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले जैसा है, बट यस सर से मैं, मुझे एक ही बात का अफसोस है कि मैं बहुत देर से मिली, थोड़ा सा एज रहते हुए अगर सर से मिलती तो आज मैं भी गवर्नमेंट जॉब ले चुकी होती, बट नो इश्यूज, मैं आज की डेट में प्राइवेट जॉब में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। बस बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेहनत करोगे तो ही जॉब ले पाओगे, अदरवाइज बहुत टफ, बहुत टफ, आप लोग खुद अपने आप से कंपटीशन करो तो ज़्यादा बेटर है, दूसरों से कंपटीशन करके नहीं कर पाओगे इतना अच्छा, अगर खुद से कंपटीशन करोगे तो ही जाओगे।